अस्सलाम वालेकुम आज की वीडियो काफी स्पेशल होने वाली है आज की वीडियो में हमें फ्लाई डिजाइन सीखना है और फ्लाइट कितनी तरह की होती है इसके बारे में भी हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं तो सबसे पहले बात करती हैं कि फ्लाइट होता क्या है और आप इसको कब डिजाइन करते हैं तो फ्लाइट बेसिकली आप तब डिजाइन करते हैं जब आप किसी इवेंट को या किसी सर्विस को या किसी ऐसी बात को जो आप अपने कस्टमर्स को कम्युनिकेट करना चाहती हैं तो तब आप फ्लाइट डिजाइन करती हैं फॉर एग्जाम्पल एक रेस्टोरेंट है तो वो क्या करेंगे एक फ्लाइट डिजाइन करेंगे उसमें अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेश को पुट करेंगे वो प्राइस भी ऐड कर सकती हैं वो अपना डिस्काउंट भी उसमें ऐड कर सकती हैं तो इस तरह से वो एक फ्लाइट डिजाइन करती हैं और तो उसको आप डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट सिटीज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हैं इस तरह से आप बिजनेस के रिलेटेड भी फ्लाइट डिजाइन कर सकती हैं उसमें आप बिजनेस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को पुट करेंगे और और भी डिफरेंट स्पेशल इवेंट्स के रिलेटेड आप फ्लाइट डिजाइन कर सकती हैं

फ्रेंड्स so आज के वीडियो कि किस तरह से आप एक अमेजिंग है।, तो है।, तो है, है कि फ्लायर और पोस्टर में डिफरेंस क्या है तो मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊंगी कि मुझे क्या लगता है कि फ्लायर और पोस्टर में क्या डिफरेंस है तो बेसिकली फ्लायर पॉइंट ओरिएंटेड होता है पर पोस्टर इंग्लिश रिलेटेड होता है फ्लायर अपने अपनी इन्फॉर्मेशन को पॉइंट आउट करना होता है बट पोस्टर जब आप डिजाइन करती हैं तो आप भी उसमें इमेजेस को ऐड करना होता है तो आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगी कि आप डिफरेंट एलिमेंट्स को यूज करते हुए किस तरह से एक अमेजिंग फ्लाइट डिजाइन कर सकती हैं फ्लाइट डिजाइन के लिए जो सॉफ्टवेयर हम यूज करने वाली हैं वो है कैनवा तो कैनवा को यूज करते हुए आज की वीडियो में मैं आपको कम्प्लीट गाइड करूंगी की आप एक फ्लाइट को किस तरह से डिजाइन कर सकती हैं सो फ्रेंड्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करती है अपनी आज की वीडियो और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो का चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इस चैनल पर आपको ऑनलाइन लर्निंग एंड अर्निंग के रिलेटेड बहुत अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी तो सिंपल जी मेल आई डी ऐसी कैनवा पर लॉग इन कर लें कैनवा को यूज करते हुए आप इजीली अपना फ्लायर डिजाइन कर सकती हैं आपके पास कैनवा पर बहुत से टेम्पलेट भी हैं जिसको आप इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं इसको कस्टमाइज कर सकते हैं बट आज की हम बिल्कुल से फ्लाइट डिजाइन करेंगे तो उसके लिए फर्स्ट हम एक साइज सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपके पास यहाँ पर क्रिएटर डिजाइन का ऑप्शन है यहाँ पर मैं सिंपल फ्लाइट को सर्च करूंगी तो आपके पास यहाँ पर लैंडस्केप में पोर्ट्रेट में और और भी आपके पास डिफरेंट फ्रेम्स हैं डिफरेंट साइज हैं जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं मैं पोर्ट्रेट साइज इसमें से सेलेक्ट कर रही हूँ तो ये एक ब्लैंक पेज हमने क्रिएट कर लिया है फर्स्ट हम अपने डिज़ाइन का नेम यहाँ पर ऐड करेंगे तो मैं सिंपल यहाँ पर फ्लायर डिज़ाइन ऐड कर रही हूँ तो आज जो फ्लायर हम डिज़ाइन करने वाले हैं वो फूड के रिलेटेड है मीन हम फूड फ्लायर डिज़ाइन करेंगे तो कैनवा साइट पर आपके पास एलिमेंट्स का ऑप्शन है इस पर क्लिक करते हैं और एलिमेंट सर्च पॉल पर मैं सिंपल टेक्स्ट बॉक्स को सर्च करूंगी आपके पास ग्राफिक्स में फोटोज में फ्रेम्स में डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जिसको तो आप अपने डिजाइन में ऐड कर सकते हैं इसमें आपको डिफरेंट एलिमेंट्स शो हो रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं तो मैं ये वाला एक एलिमेंट इस पर ऐड कर रही हूँ फर्स्ट हम इसके कलर को चेंज कर लेते हैं तो आपके पास यहाँ पर सोलि में डिफरेंट कलर्स हैं बट तो अगर आप इसमें से कोई कलर ऐड नहीं करना चाह रहे तो आप ऐड न्यू कलर पर क्लिक करेंगे अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से हम इसके साइज को एडजस्ट कर लेते हैं और इसकी पोजीशन को मैंने इस तरह से एडजस्ट कर दिया अब हम इस पर टेक्स्ट ऐड करेंगे तो आपके पास यहाँ पर टेक्स्ट ऑप्शन है ऐड हेडिंग को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर मैं टेक्स्ट को ऐड करूँगी अलाइनमेंट को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं और इस तरह से हम इसकी पोजिशन को एडजस्ट कर देंगे अगर आप इसका फॉर्म चेंज करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं आपके पास यहाँ पर डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिसको आप अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं इस तरह से इसके साइज को मैंने इस तरह से एडजस्ट कर लिया अगेन मैं यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करूंगी इसके फॉन्ट को हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं तो मैं ये ब्लैक फॉन्ट इस पर ऐड कर रही हूँ और इसके कलर को भी हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं साइज को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं तो टेक्स्ट हमने इस पर ऐड कर दिया है अब हम डिफरेंट इमेज इस पर ऐड करेंगे एलिमेंट पर मैं क्लिक कर रही हूँ और एलिमेंट सर्च बार पर मैं एक एलिमेंट सर्च कर रही हूँ तो ये एलिमेंट मैं इस पर ऐड कर रही हूँ इसको हम थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं इस तरह से और डन पर मैं क्लिक कर रही हूँ आपको इस तरह से अब ये इमेज शो हो रही है इससे पहले हम एक फ्रेम इस पर ऐड करते हैं तो एलिमेंट सर्च पार्ट पर मैं सर्कल फ्रेम एक सर्च करूंगी और अब हम इस पर फोटो ऐड कर देंगे इस तरह से अगेन हम इसको क्रॉप कर लेते हैं आप इसकी पोजिशन को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं डन पर क्लिक करते हैं और आपको ये इस तरह से अब एलिमेंट शो हो रहा है इसके साइज़ को मैंने डिक्रीज किया इसकी पोजीशन को हम इस तरह से एडजस्ट कर देंगे अगेन हम एक फ्रेम इस पर ऐड करेंगे तो ये एक फ्रेम मैंने इस पर ऐड कर लिया और इसकी पोजीशन को हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रही हूँ और ये फ्रेम्स हमने इस पर ऐड कर दिए हैं अब मैं यहाँ पर भी फोटो ऐड करूँगी एलिमेंट सर्च बार पर मैं एक एलिमेंट सर्च कर रही हूँ तो मैंने फूड के रिलेटेड यहाँ पर एलिमेंट को सर्च किया तो आप यहाँ से डिफरेंट एलिमेंट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं तो ये एक एलिमेंट मैंने इस पर ऐड किया इसके साइज को हम डिक्रीज करते हैं और इसको भी इस तरह से फ्रेम पर एडजस्ट कर देंगे अगर आप अपने फ्रेम पर आउटलाइन ऐड करना चाह रही हैं तो आप वो भी कर सकते हैं नेक्स्ट फोटो मैं यहाँ पर सैंडविच के रिलेटेड ऐड करूँगी इसमें भी आपके पास ग्राफिक्स में फोटोज में डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जिसको आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं तो ये एक एलिमेंट मैंने इस पर ऐड किया फर्स्ट हम इसके साइज़ को डिक्रीज करते हैं और इस तरह से आपको ये डिफरेंट फोटोज़ शो हो रही हैं आप इसको इजीली क्रॉप भी कर सकते हैं इस तरह से और डन पर मैं क्लिक कर रही हूँ तो फोटोज़ तो इस पर ऐड कर ली हैं अब हम इस पर टेक्स्ट को ऐड करेंगे तो कैनवासम पर आपके पास टेक्स्ट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करते हैं हेडा हेडिंग को मैं सिलेक्ट कर रही हूँ फर्स्ट हम इसके साइज को एडजस्ट करते हैं और यहाँ पर मैं टेक्स्ट को ऐड करूंगी इस तरह से अगर आप इसके फॉन्ट को चेंज करना चाह रही हैं तो आपके पास यहाँ पर डिफरेंट फॉन्ट्स हैं जिसको आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं तो आप इस पर कोई भी फॉन्ट ऐड कर सकते हैं अगर आप लेटर्स में स्पेस ऐड करना चाह रही हैं तो आप वो भी कर सकते हैं तो स्पेसिंग पर मैंने क्लिक किया और यहाँ से आप लेटर्स पर स्पेस ऐड कर सकते हैं इस तरह से थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर लेती हूँ इसके कलर को हम चेंज कर लेते हैं और आपको टेक्स्ट कुछ इस तरह से शो रहा है अगर आप टेक्स्ट पर डिफरेंट इफेक्ट्स को अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं नेक्स्ट मैं यहाँ पर एक लाइन ऐड करूँगी और इसकी पोजीशन को मैं इस तरह से एडजस्ट कर रही हूँ और इसकी पोजीशन को मैंने इस तरह से एडजस्ट कर दिया अब हम इस पर टेक्स्ट को ऐड करेंगे तो टेक्स्ट पर मैं क्लिक कर रही हूँ एडा सब हैडिंग को हम सेलेक्ट कर लेते हैं इसके साइज़ को मैं डिक्रीज कर रही हूँ और यहाँ पर हम टेक्स्ट को ऐड करेंगे इस तरह से और इसकी पोजीशन को हम यहाँ पर एडजस्ट कर रहे हैं अगेन ऐडा सब हैडिंग को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर भी हम टेक्स्ट को ऐड कर देंगे इस तरह से और इसके साइज़ को हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं अलाइनमेंट आप एडजस्ट कर सकते हैं अगर आप लाइंस में स्पेस ऐड करना चाह रही हैं या आप स्पेस डिक्रीज़ करना चाह रही हैं तो आप कॉपी कर सकती हैं आप लेटर्स में स्पेस ऐड कर सकते हैं और इस तरह से आप लाइंस में स्पेस कम ज़्यादा कर सकते हैं और आपको टेक्स्ट कुछ इस तरह से शो हो रहा है अब मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रही हूँ और इसकी पोजिशन को मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर लिया टेक्स को हम यहाँ से रिमूव करते हैं और नेक्स्ट टेक्स मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ इसके साइज़ को मैंने डिक्रीज़ कर लिया अगेन ऐडा सब को सिलेक्ट करते हैं और इस तरह से आप डिफरेंट टेक्स को यहाँ पर एड कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अब को सिलेक्ट करते हैं साइज को मैंने डिक्रीज कर दिया और यहाँ पर हम टेक्स्ट को ऐड करेंगे इस तरह से इसके भी साइज को मैंने डिक्रीज कर दिया और लेटर्स में हम स्पेस को ऐड कर लेते हैं और आपको ये टेक्स इस तरह से शो हो रहा है यहाँ पर भी आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग टेक्स्ट को ऐड करना है बट मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रही हूँ और इस तरह से आप यहाँ पर भी टेक्स्ट को ऐड कर सकती हैं अब हम इस पर प्राइस टैग ऐड करेंगे तो एलिमेंट पर मैं क्लिक कर रही हूँ और एलिमेंट सर्च पार्ट पर मैं सिंपल प्राइस टैग को सर्च कर रही हूँ तो मैं ये वाला एक इस पर ऐड कर रही हूँ इसके कलर को हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं इस तरह से और इसकी पोजीशन को मैं इस पर एडजस्ट कर दिया अब हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और इस तरह से इसकी पोजीशन को एडजस्ट कर लेते हैं इस पर भी हम प्राइस टैग को ऐड करेंगे इस तरह से इसके साइज़ को अगर आप और डिक्रीज करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं और आपको प्राइस टैग अब इस तरह से हो रहे हैं अब हम टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं सब एडिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम प्राइस ऐड करेंगे इसके कलर को मैं यहाँ से चेंज कर रही हूँ और इस तरह से हम इसकी पोजीशन को एडजस्ट करते हैं आपको प्राइस टैग अब इस तरह से शो हो रहा है अब इसको हम यहाँ से जस्ट कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और आपको अब इस तरह से ये प्राइस टैग शो हो रहे हैं तो फाइनली हमने कैनवा को यूज़ करते हुए ईजिली फ्लायर डिज़ाइन कर लिया है आप देख सकते हैं कि जो फ्लायर हमने डिज़ाइन किया है वो पॉइंट ओरिएंटेड है आप भी डिफरेंट टेक्स को डिफरेंट एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए इजीली अपने फ्लायर्स को डिज़ाइन कर सकते हैं अब हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं तो इसके लिए आपके पास यहाँ पर शेयर का ऑप्शन है तो डाउनलोड पर क्लिक करके आप इजीली अपने डिज़ाइन को डाउनलोड कर सकते हैं तो आपको फ्लायर अब इस तरह से शो हो रहा है आप इसके अलाइनमेंट देख सकते हैं कि हमने इसके अलाइनमेंट को अच्छे से एडजस्ट किया और सेम अलाइनमेंट हमने इस पर अप्लाई की है

डिपेंड ये करता है कि आप किस तरह से अपना डिजाइन क्रिएट कर सकती हैं। तो अगर आपको अपनी स्किल में इंटरेस्ट है तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए क्रिएट कर सकती हैं तो फ्लाइट डिजाइन एक इन डिमांड स्किल है अगर आप इस स्किल को सीखती हैं तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी काफी अच्छी अर्निंग कर सकती है सो तो फ्रेंड्स आई होप की आपको आज की वीडियो की अच्छे से समझ आ गई हो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करे सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें मिलती है जी नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह अल्लाहफिज